हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। तो चलिए ज़रा शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। एक बार से सेशन लाइव हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बता दिया, थैंक यू सो मच। तो चलो भाई शुरुआत करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ कि आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जनवरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, दिसंबर, देन नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये लास्ट 5 मंथ्स का जो करेंट अफेयर्स है वो आपके लिए कवर किया जाएगा इस एक हफ्ते के अंदर कंटिन्यूसली। संडे को छोड़ दीजिए तो बाकी हर दिन आपका क्लास रहेगा, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। 1 मिनट, ओए होए, 1 मिनट। यूट्यूब, ईशा, आशीष, प्रकाश, राजवंशी, एक विलेन, कैसे कैसे नाम रखे हैं, संदीप, रोहित, भूमि, वेरी गुड इवनिंग, पीयूष, गिरीश, सुष्मिता, सुपरमैन। ओके, तो चलिए जरा शुरुआत करेंगे, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल आपके जो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। कल आपके 2 अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस रहेंगे। पहला क्लास जो है वो इंडिया का यूनिफिकेशन, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और फिर किस तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे देश के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, वो पूरी कहानी कल 10:15 बजे। अगला दोपहर में 2 बजे नहीं बल्कि 1:30 बजे जो क्लास होगा, ये आपका टॉपिक रहेगा प्लेन्स इन इंडिया। क्लास में समय पर पहुंचिएगा, पोल बेस आपका टेस्ट रहेगा। और एक चीज़ जो आपके लिए खास है, जो आपको याद रखनी है, वो मालूम है क्या है? कहो, अभी हमको वो भी बताना पड़ेगा, है बताना पड़ेगा, चलो बता देते हैं। वो ये है कि कल तो है YouTube फेस्टिवल, तो कल शाम को जो 4 बजे का क्लास होता है वो आपका YouTube पे रहेगा। टॉपिक क्या है? मॉन्यूमेंट्स, जो कि किस में मेंशन है? यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। तो ये आपका कल क्लास रहेगा, इसको गोला मत टिकाना, क्लास में समय पर आइएगा इसी पर्टिकुलर चैनल पे। तो ऑल कूल, शशांक, मोहिनी, गोल्डन, मिष्टू, रिंकी, एलेक्स, होंग छोंगा, केडी, रौनक, वेरी गुड इवनिंग पेस्ट्री, गुड इवनिंग टू ऑल। आइए ज़रा चलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स के क्लास में अभी भी नहीं आ रहे, अगेन आई रिपीट कि क्लास को एक बार से देखिए, आपको खुद से उसमें समझ में आएगा कि हाँ व्हाट्स अ कंटेंट एंड वहाँ पे जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है। ठीक है, बार बार रिपीटेशन पढ़ के अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है, नॉट कपूर। लेकिन अगर आप यहाँ पे हर एक दिन हर एक नई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, किसके साथ में? पॉइंट टू रिमेम्बर के साथ में, तो ये पर्टिकुलर क्लास रेगुलर सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल। भैया आगे सब चलें, फिर आगाज किया जाए। मोहिनी, विकास, विशाल, विष्णु, पूजा, गुलशन, विराट द वॉरियर, आइए भैया शुरुआत करते हैं। अगर कोई रोया तो वो पिटेगा मेरे से। मैंने पहले ही बोला था कि हमारा आज का जो क्लास रहेगा वो आपका 1 लाइनर के फॉर्म में होगा और यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो दिसंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अल ना आगाज करें फिर, रोहित, धोनी, ऑल राइट। अरे मैम प्लीज़, ये क्या अत्याचार कर दिया आपने, ऐसे मत करो। मैंने जानबूझ के इस तरीके से रखा हुआ है ताकि पता चले कि एग्जैक्टली आपको कितना आ रहा है और कितना आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आता हुआ बताइए। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में अहरवाल फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट या फिर कौन से यूनियन टेरिटरी के अंदर सेलिब्रेट किया गया। ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है इसलिए मनाया गया था ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। अरे कर लिया आंसर यार तुम लोगों ने तो, केडी, अंजू, अरे वाह, समर, ग्रेट। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर वैसे भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे डीलिमिटेशन एक्ट जो है उसको इम्पोज किया गया है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे चेंज होंगी। इसके अलावा यहाँ पर पुष्कर मेले का भी आयोजन किया जाता है, लेकिन ये जो पुष्कर मेला है ये आपको मिलेगा कितने सालों पर? 12 सालों में एक बार देखने को मिलता है। इंडिया का सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा है? दैट इज कुंभ मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चले क्वेश्चन नंबर 2 बताएं, इंटरपोल क्या है? इंटरपोल, सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में अहमद नासिर अल रईसी, इनको अपॉइंट किया गया है इसके अध्यक्ष के रूप में। सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? वाईफाई जयश्री, सूरज, शशांक, नवदीप,
आज तो मजा आएगा ही, इसका करेक्ट आंसर है यूएई से ये बिलोंग करते हैं। सुनो, इंटरपोल की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लियोन के अंदर है, और लियोन कहाँ है, फ्रांस के अंदर आपको ये मिलेगा। दूसरा पॉइंट, अभी हाल ही में इसकी बैठक का आयोजन होने वाला है, कब, 2022 में। देखा जाएगा आयोजन होता है कि नहीं, कहाँ पर होगा, इंडिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कल सुबह जब हम लोग मिलेंगे 7 बजे करेंट अफेयर्स में, तो वहां पर भी आपको एक समिट के बारे में पढ़ाएंगे जिसका आयोजन किया गया है किसके द्वारा, तेरी के द्वारा। तहरी नहीं है, ठीक है, हमेशा खाने की बातें। अगला कहा जा रहा है कि सीबीआई नहीं बल्कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अभी हाल ही में चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया, चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया। आशीष, अंजू, लता, आनंद, उदय, किरण, अनु, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिव्या, इसका राइट आंसर होगा विवेक जोहरी जी का अपॉइंटमेंट किया गया। जब भी आपसे टैक्सेस पूछा जाएगा, हमेशा याद रखना कि जीएसटी जो है ये कैसा टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आज ही सुबह मैंने आपको याद कराया था कि जीएसटी जो है वो सबसे पहले इंडिया के कौन से स्टेट में लगा था, आसाम के अंदर, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है, तो ये कॉन्सेप्ट है कनाडा का। बट ये सबसे पहले इम्पोज कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस के अंदर इसको सबसे पहले इम्पोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए ब्रिक्स का फिल्म फेस्टिवल 6 नंबर का बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला, बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला। तुम्हारी फेवरेट है तहरी, अच्छा, जितेंद्र, हरे कृष्णा, संदीप, गौरव, ओके, मुस्कान, आज तो मैम बत्ती गुल हो गई, ऑप्शन ना मिले। बेटा मैंने पहले ही बोला था कि हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ाएंगे, ऑप्शंस के साथ में बहुत हो गया। इसका करेक्ट आंसर बनेगा धनुष, सबको मालूम है ना धनुष। अगर आपसे कहा जाए कि 67 नंबर के जो नेशनल अवार्ड्स का आयोजन किया गया था उसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था, तो मैंने आपको दो नाम बताए थे, पहला नाम था मनोज बाजपेयी, दूसरा नाम क्या था, धनुष। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपसे फीमेल पूछ लेती विमेंस की कैटेगरी में, तो आप सबकी फेवरेट कंगना रनावत। दूसरा पॉइंट, ये जो ब्रिक्स का आयोजन किया गया था ये हुआ कहाँ पे था, गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर 52nd नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया था, जहाँ पर क्या हुआ था, बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला था, रिंग वंडरिंग, किसको, रिंग वंडरिंग, कहाँ की मूवी थी, जापान की ये मूवी थी। आज पढ़ी थी ना जापान की कहानी, आज तो मैम मजे ही आ गया कोरिया को पढ़ के। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन इनिंग द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया। पाल, आनंद, सोरेन, अभिषेक, पीहू, लद्दाख, ओके, इसका करेक्ट आंसर बनेगा अयाज मेनन के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे इंडिया की जो पूरी हिस्ट्री है उसको दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए यूएन के द्वारा डे ऑफ रिमेम्बरेंस किसके लिए, जो केमिकल वॉरफेयर के अंदर जिनकी डेथ हुई है उनके लिए एक दिन है जो यूएन यहाँ पर सेलिब्रेट करता है उनको याद करने के लिए। सवाल में कहा जा रहा है कि वो आपको दिन बताना है, वो दिन आपको बताना है। मोहम्मद, गगन, संदीप, पूजा, पीयूष, सुष्मिता, नीरज, अनुज, आज तमाम बोलती भी बंद है। सुनिएगा, ये 30 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन यूएन के द्वारा किया जाता है, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, सबसे पहले इंडियन जिन्होंने मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है, सबसे पहले पर्सन जिन्होंने स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है, वीके जाड, आज तमाम खतरे की घंटी है। एक सेकेंड, किसी ने कुछ पूछा है क्लास का टाइमिंग क्या है, एक विलेन, बेटा तुमको भी दो विलेन हम बनाते हैं, रुके तो रहो तुम, तुमको क्लास का टाइम नहीं पता है, क्लास में आके बैठा हुआ है कितने बजे से, 7:50 से, ठीक है, और यहाँ पूछ रहे हैं कि क्लास का समय क्या, बेटा ऐसे कमेंट करके क्या फायदा क्या है, हमको ये बताओ है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा सौरभ घोषाल इज द राइट आंसर, स्क्वैश प्लेयर पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, आईपीआई इंडिया अवार्ड एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2022, इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। गजब, आज तो कुछ क्वेश्चन सही भी आ रहे हैं। एलेक्स, धोनी, गोल्डन, नीहू,
नीहू बोपू राजन। ओके, इसका राइट आंसर बनेगा रितिका चोपड़ा को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जर्नलिज्म की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, हाय मैम, एक यही सवाल है जो हमको आता था, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पहला फ्लोटिंग, या मान लीजिए सबसे पहला फ्लोटिंग सिटी कौन सा बना है, सबसे पहला फ्लोटिंग सिटी कौन सा बना है? आंसर। शशांक, ओके, बताओ इसका आंसर। आप नए हैं मेरे क्लास में, अनुज, अगर आप मेरे क्लास में नए हैं तो बेटा देखो चैट बॉक्स पे, ये जो आपका कमेंट जहां पे कर रहे हो उसी के ऊपर देखो, एक आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, वहां पे लिखा हुआ है कृति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल, क्लिक करिए, वो मेरा टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन करिए, रात में सोने से पहले 10 बजे उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरे दिन का शेड्यूल मिल जाएगा। पहला क्लास सुबह 7 बजे होता है करेंट अफेयर्स का, ठीक है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। यहीं पे अगर तुमसे हम फ्लोटिंग सोलर प्लांट पूछ लेते तो तुम आंसर क्या करते, आंसर आता सिंगापुर, राइट। अगर मैंने पूछा होता कि अच्छा ये बताओ इंडिया के अंदर फ्लोटिंग वाला कहाँ पर, तो आप आंसर वहां पे क्या बोलते कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए मरियम वेबस्टर के हिसाब से वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 का क्या बताया गया है, 2021 का क्या बताया गया है? ये यूके के साथ में कौन जा रहा है भाई, हाँ? जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर देखिए, आपके लिए टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया गया है, क्योंकि इस क्लास के जस्ट बाद में 8:35 पे ओपन हाउस सेशन है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ 15 मिनट के लिए, कि जो रात का समय होता है जो हम लोग बर्बाद कर देते हैं इधर उधर सर्फिंग करके, उसको हम पढ़ाई के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा वैक्सीन। कितनों ने सही बताया, अरे वाह सही बता लेंगे, वैक्सीन इज द राइट आंसर, करेक्ट है। नेक्स्ट पे आइए, सेवेंथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, सेवेंथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? कल ध्यान रखिएगा, कल आपके दो क्लासेस इसी चैनल पे रहेंगे, पहला क्लास शाम को 4 बजे रहेगा, जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स पढ़ेंगे जो यूनेस्को के अंदर है, वहाँ पे आपको टाइमर के साथ में क्वेश्चंस मिलेंगे विद ऑप्शन, और रात में 8 बजे यहीं पर कल नवंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा गो गोवा गॉन, क्या होगा, गो गोवा गॉन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ BSF ये अपना राइजिंग डे किस दिन मनाता है, सबसे आसान सवाल आज का, ये अपना राइजिंग डे किस दिन मनाता है? सूरज की तो हंसी ना रुक रही है भाई। चलिए, राइजिंग डे की बात करें तो आज सुबह मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था डेजर्ट फेस्टिवल के बारे में। ये जो डेजर्ट फेस्टिवल है इसी को मारो फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहाँ होता है ये आपको मिलेगा किस जगह पर, थार मरुस्थल में। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो BSF है ये पार्टिसिपेट करता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के अंदर राजस्थान में, और BSF के अगर हम हेड की बात करें तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ इनके हेड का नाम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आज सुबह ही आपको बताया था, अभी तो 24 घंटे भी ना हुए। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1st of December को मनाया जाता है, कौन से नंबर का था, 57th नंबर का इस बार सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल, वर्ल्ड एड्स डे कहाँ रह गए भैया, पंकज कुमार, ओके। चलिए, हाँ जी, वर्ल्ड एड्स डे सबसे पहली बार 1988 में, सवाल में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में किस तारीख को मनाया जाता है, पूरी दुनिया में किस तारीख को मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दें, कल सुबह जब हम लोग मिलेंगे 7 बजे तो वहां पे आपको बताएंगे कि WHO ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, जो लोग लाइक सिगरेट या टोबैको का सेवन करते हैं उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है उस ऐप के थ्रू। ऐप पे इंफॉर्मेशन एंड ऑल ये सब चीजें तो कल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सिंपल, 1st of December इज द राइट आंसर। दिल पे हाथ रख के बोला होगा, यही वो सवाल है जो हमें आता है। अगला सवाल, बताओ कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? बहुत आसान सवाल है, वेरी इजी। चलो थोड़ा हिंट दे देते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, आंसर करके बताओ, अब तो बता लोगे।
ओके अक्षिता, अमन, सौम्या, मोहिनी, गुड़िया, आज तो मैम आपने हम लोग की वाट लगवा दी है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा नागालैंड के अंदर। इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था ताकि जो पुलिस फोर्सेज हैं उनके साथ में इजीली क्या हो सके, कनेक्ट हो सके वहां के नागरिक। अगला सवाल, बेलिन ओडियर अवार्ड 2021 किसको दिया गया? यार हलवा सवाल, बताओ किसको दिया गया ये अवार्ड? ईजी क्वेश्चन है, आंसर करिए। अक्षिता, नीरज, गुलशन, अनीश, हेमलता, ज्योति, सुष्मिता। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा आप सबका फेवरेट मेसी। अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार इनको अवार्ड मिल चुका है, 7 बार। कहाँ से बिलोंग करते? अर्जेंटीना से। अगर पूछा जाए कि 5 बार ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये अवार्ड मिला है अपने प्यारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। कहाँ से बिलोंग करते? तो ऑब्वियसली बात है ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है। चलो नेक्स्ट पे आओ। भारत का सबसे पहला ऐसा कौन सा शहर बना था जहां पे रोपवे सर्विस सबसे पहले स्टार्ट हुई, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहां से स्टार्ट किया गया? सिटी का नाम बद्री। 3D आ रहा है, चलो ठीक है, साउंड तो आ रहा है ना, बहुत है। चलो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वाराणसी। ध्यान रखिएगा कि अब तो ये हिमाचल में, उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में, सब जगह पर है, बट इंडिया के अंदर सबसे पहली बार जहां स्टार्ट हुआ वो जगह कौन सी है? वाराणसी है। तो इसका आंसर क्या है? वाराणसी। वाराणसी कौन सी नदी के किनारे पर है? तो गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पे अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर को भी डेवलप किया जा रहा है, ये कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है। अगर पूछा जाए गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो भी आंसर क्या होगा? वाराणसी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, स्ट्रीट प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? ध्यान दीजिएगा, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, बताओ। बेटा आपका पेपर 2022 में कभी भी हो, पूरे 2022 में कभी भी हो, दिसंबर एंड में जाके भी हो, तो भी 2021 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि SSC आजकल करेंट अफेयर्स नहीं, हिस्ट्री पूछता है। 2018 पूछ लिया, 2019 पूछ लिया, तो बेटा ये तो 2021 है, ऑब्वियसली बात है कि पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये मत सोचा करो कि मेरा पेपर दिसंबर के एंड में है तो मुझे नहीं पढ़ना। किसी भी एग्जाम के लिए एटलीस्ट प्रेजेंट टाइम पे 1.5 साल का करेंट अफेयर्स आपको आना ही चाहिए। समझ रहे हो? चलो इसका करेक्ट आंसर क्या बताओ? अरे गजब, बता लिए, केरला इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, लाजवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ। कहा जा रहा है नेम द बुक, ठीक है, नेम द बुक विद द ऑथर। ओके, बुक का नाम यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, लोकतंत्र, राजनीति और धर्म। ऑथर का नाम, लोकतंत्र, राजनीति और धर्म, आपको बताना है राज्य का नाम। आसान सवाल है, यूं ऐसे हवा में क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, इंडियन आर्मी। हाँ जी, ये क्लास डेली होती है सर, बिल्कुल ये क्लास रेगुलर होती है, और कल तो 2 क्लास रहेंगे, 1 क्लास होगा शाम को 4 बजे, 1 क्लास होगा रात में 8 बजे, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्य प्रकाश जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला सवाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर के CEO के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? इजी क्वेश्चन यार, छोटा रावण भी आया है क्लास में, ओए ओए। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? सिंपल है यार ये तो, पराग अग्रवाल भाई, तुम लोग के पड़ोसी है ना, ये नाम याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, तो याद रखिएगा इनके जो CEO हैं, जो कि इंडिया के ही हैं, इन लोगों को पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और साथ में साइरस पुणे वाला जिनको पद्म अवार्ड दिया गया, ठीक। अगला सवाल, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? जो भी बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में पहली बार आए हैं, मैं फिर से बोल दूं, कमेंट बॉक्स में आपके लिए टेलीग्राम का लिंक लगा है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 8:35 पे आपका ओपन हाउस सेशन भी रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2nd of December। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ।
मैगडलिना एंडरसन। ओहो, सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में ये सबसे पहली फीमेल पीएम के रूप में अपॉइंट करी गई हैं। कंट्री का नाम बेटा तुमको बताना है, कंट्री का नाम आपको बताना है, बताइए। अरे मैम आज क्या मतलब, आज आपकी कहीं लड़ाई वड़ाई हुई थी क्या जो आप बिना ऑप्शन के आए हो? हाँ देखो, ऑप्शंस के हिसाब से वही वाला खेल होता है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आप वहाँ चार ऑप्शन देखोगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप डायरेक्टली अपना नाम बता पाओ। ओके, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? स्वीडन। कहाँ पर? स्वीडन के अंदर। स्वीडन की कैपिटल क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम से, सभी को पता है। और ग्रीटा थंबर्ग यहीं से बिलोंग करती हैं, जो कि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। अगला सवाल, नागालैंड स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? नागालैंड स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है? आंसर, दुनिया का सबसे आसान सवाल है यार। नागालैंड का जो एकॉर्ड है, जिसे हम नागा एकॉर्ड के नाम से जानते हैं, इसे 2015 में साइन किया गया था अमित शाह जी के साथ में। दूसरा पॉइंट, ये जो दिन है ये पूरे एक हफ्ते नहीं बल्कि 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया था ये आप सभी लोग जानते हैं। आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा, तो आर्टिकल नंबर भी मैंने आपको पढ़ाया था, और इसका करेक्ट आंसर होगा 1st of December। कौन सा फेस्टिवल होता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड कॉस्ट? रहने के लिए सबसे एक्सपेंसिव सिटी, रहने के लिए सबसे एक्सपेंसिव सिटी बताओ। मुझे अपना नाम याद है, मैम ऑप्शन दे दीजिए। सही है, इसका करेक्ट आंसर बनेगा तेल अवीव इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्ट सिटी है इसराइल की, और इसराइल के बारे में तो आप जानते ही जानते हैं। सुबह भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसराइल वो कंट्री है जिसने ड्रोन का इस्तेमाल करने को कह दिया है सिविल एरियाज में। ओके चले नेक्स्ट पे आते हैं। नरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ताशकंद इसका आंसर नहीं है बेटा, करेक्ट इट, करेक्ट इट। हाँ भैया, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारोगे? हाँ कहना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दीनदयाल पटेल के द्वारा इस किताब को लिखा गया। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश कहा जा रहा है कि ये बताइए, अभी हाल ही में किसको एम्बेसडर बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश का? क्योंकि अरुणाचल सेलिब्रेट कर रहा था अपनी गोल्डन जुबली, जिसके उपलक्ष में क्या हुआ है, अभी हाल ही में एक बॉलीवुड एक्टर को एम्बेसडर बनाया गया है। इस क्वेश्चन पे नहीं कहोगे कि मैम ऑप्शन दीजिए? हैं, ये तो ऐसे आंखें बंद करोगे और आंसर आ जाएगा। क्यों? संजय दत्त है ना, इसका आंसर क्या होगा? संजय दत्त इज द करेक्ट आंसर। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में, मतलब ये तो अभी फेब की बात बता रहे हैं, बिहार के अंदर भी एक एक्टर को एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है खादी के द्वारा, और वो कौन है? वो है मनोज वाजपेयी। ये नाम भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा। अगला सवाल, गोवी के अंदर अभी हाल ही में कौन से इंडियन विमेन क्रिकेटर हैं जिनको एम्बेसडर के रूप में चुना गया? जिनको एम्बेसडर के रूप में चुना गया? आंसर, गोवी के अंदर पूछा है, बहुत आसान है। इंडियन क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, इसका आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा स्मृति मंधाना। कितने लोगों की फेवरेट है स्मृति मंधाना की अगर हम बात, अरे यार सुनो, वो हुंडई का एल्काजर गाड़ी जो है उसका नया एड आया, उसमें मैंने आज पहली बार वो एड देखा, स्मृति मंधाना है उसमें। सुनिएगा, स्मृति मंधाना सभी लोग जानते हैं कि पिंक बॉल के साथ में इन्होंने सेंचुरी बनाई है, तब से इनका जो नाम है वो सबसे ज्यादा आपको लाइमलाइट में मिल रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? स्मृति मंधाना। अगला सवाल, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर करो। ललिता आपका प्रिलिम्स क्लियर हो गया है, तो मेन से तो डर क्यों रहे हो, ऐसे रो के थोड़ी ना प्रिपरेशन होती है। हाँ जी आंसर। हाँ 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 नहीं आ रहा है मैम, इसकी तो तारीख नहीं आ रही है मैम, इसकी तारीख तो छोड़ ही दो आप। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 3rd December होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए, अच्छा नेक्स्ट पे आइए। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? हलवा सवाल, अभी तो तुमको बताएं, अभी तो आपको बताया, क्या होगा इसका आंसर?
अच्छा उसके अंदर शाहरुख खान ड्राइवर है, बिल्कुल सही बताया तुमने, लग रहा है बट आजकल बहुत टीवी भी देख रहे हो। इसका आंसर बनेगा नागालैंड के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी विमेन हैं जिनको विमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलेटिक के खिताब से नवाजा गया। विमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलेटिक के खिताब से नवाजा गया, आंसर। यार देखो सुबह 7 बजे आओगे ना तो ये सब सवाल अपने आप सॉल्व होते जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा तुमको, समझ रहे हो। इसका आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इनकी हिस्ट्री काफी ग्लोइंग है, तो ये नाम याद रखिएगा। अगला सवाल, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया। चेयरपर्सन किसको अपॉइंट, ए नियोमी ओसाका कहाँ से आ गई, नियोमी ओसाका बीच में कहां से आ गई भाई, कुछ भी मतलब, पता है इसका आंसर क्या होगा। ऑलराइट, इसका करेक्ट आंसर बनेगा संपित पात्रा इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। तो ये वो सवाल हैं दिसंबर के जो आपको क्या करने हैं, ऐसे घोल के पी लेने हैं, है ना। अब ये मत कहना कि मैम सच में हमें इतना याद करना पड़ेगा, बेटा इतने तो तुमको याद करने ही करने हर हालत में, क्योंकि देखो गुड गवर्नेंस रे इसके इंडेक्स में कौन टॉप पे, ये सब तो तुमको याद है मुझे पता है, बट ये वो क्वेश्चन थे जो आपको याद नहीं थे, आपको खुद से पता चला। हाउ वाज द सेशन, अगर अच्छा लगा है तो एक बार से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एक बार से क्या सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब आपसे मिलेंगे सुबह 7 बजे, कहाँ पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर, रेगुलर रहेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कल का टॉपिक शाम के 8 बजे का जो रहेगा वो नवंबर 2021 है, अपना रिवीजन कर आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपसे मिलेंगे 8:35 पे। इसके अलावा आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पे पेड बैच जो है इसकी पीडीएफ उसका क्या करना है मंगुल, है चलो बेटा ओपन हाउस जो है वो सबके लिए ओपन कर दिया गया है, मतलब आप चाहे यूट्यूब के क्लासेस के स्टूडेंट हो, चाहे पेड के हो, चाहे फिर आप लाइक आइकॉनिक बैचेस के हो, सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पेड बैच को ज्वाइन करेंगे तो 19 तक आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, जहाँ पे आपके पास लाइव क्लासेस, पर्सनल गाइडेंस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, साथ में आइकॉनिक फीचर्स हैं, आज का डाउट है, टेस्ट सीरीज है, रेज योर हैंड का भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे एक साल या दो साल तो ये अमाउंट आपके 20% कम हो जाएंगे, कोड लगेगा प्रति 10, जिसके बाद ये अमाउंट आपका 20% कम होगा, ध्यान दीजिएगा। और वैलिड कब तक है, 19th of Feb तक वैलिड है, ठीक है, उसके बाद में ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ओके, टेस्ट कब है भैया, 27 तारीख को है। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, अलग अलग कैटेगरी, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड टू सिक्स एंड अदर रैंक्स के लिए, ठीक है, तो प्लीज इसको मिस मत करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। चलो मिलते हैं फिर सुबह, लेकिन अभी ओपन हाउस में फटाक से पहुंचो, लिंक हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक पिन है, आप इसी के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, सो दैट हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।